वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल, दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रीपोजिशन अबव एंड ओवर का यूज। अबव एंड ओवर का यूज किसी भी सेंटेंस में हमें कैसे करना चाहिए, या अबव एंड ओवर एज अ प्रीपोजिशन किसी भी सेंटेंस में कैसे आता है, इसी बात को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अबव प्रीपोजिशन किस चीज को बताता है। अबव इंडिकेट लोकेशन, अबव लोकेशन के बारे में बताता है, बट इट डज नॉट इम्प्लाई मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोकेशन को इंडिकेट करता है अबव एज अ प्रीपोजिशन, लेकिन ये किसी भी तरह के मूवमेंट को नहीं बताता है। यूज्ड व्हेन नो कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट रेफर्ड इन अ सेंटेंस। और अबव का यूज हम सेंटेंस में तब करते हैं जब कहीं पर भी किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं बताया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू बेटर समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है द शेल्फ इज अबव द डेस्क। तो यहाँ पर अबव एज अ प्रीपोजिशन की तरह आया है। लोकेशन के बारे में तो इसने बताया है कि जो शेल्फ का लोकेशन है वो डेस्क के ऊपर है। लोकेशन को तो इंडिकेट करा है यहाँ पर अबव ने, बट किसी भी तरह के मूवमेंट को नहीं दिखाया है। और दो ऑब्जेक्ट जो है, जो हमने यहाँ पर डिस्कस करा था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में किसी भी तरह के कॉन्टेक्ट को नहीं बताता है। तो यहाँ पर शेल्फ अलग है, शेल्फ ऊपर है और डेस्क नीचे है, दोनों में किसी भी तरह का कॉन्टेक्ट नहीं बताया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल है द क्लाउड अबव अस लुक लाइक फ्लावर। अगेन यहाँ पर भी क्लाउड की लोकेशन तो हमें बताई है कि क्लाउड अबव अस, क्लाउड हमारे ऊपर है, लुक लाइक अ फ्लावर, जो फ्लावर की तरह, जो फूल की तरह दिख रहे हैं। मूवमेंट नहीं बताया है, क्लाउड और जो पर्सन है उसके बीच में किसी भी तरह का कॉन्टेक्ट नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल है द सन इज अबव द कार। यहाँ पर भी सन की लोकेशन को बताया है अबव प्रीपोजिशन के थ्रू, बट किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं है और दो ऑब्जेक्ट के बीच में, सन और कार के बीच में किसी भी तरह का कॉन्टेक्ट नहीं है। तो अबव एज अ प्रीपोजिशन का यूज हम तब करेंगे जब किसी लोकेशन को इंडिकेट करना होता है, किसी मूवमेंट को नहीं दिखाता है और किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में किसी भी तरह के कॉन्टेक्ट को नहीं दिखाता है। इसके ही अपोजिट हम ओवर को देखते हैं। ओवर का यूज हम किस सिचुएशन में करते हैं, तो ओवर एज अ प्रीपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब हमें इंडिकेट करना होता है लोकेशन एज वेल एज मोशन। यहाँ पर ओवर एज अ प्रीपोजिशन का यूज हम तब करेंगे जब हम किसी लोकेशन के बारे में बताएंगे और उसके साथ किसी मूवमेंट को भी बताएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इम्प्लाइज मूवमेंट फ्रॉम वन लोकेशन और पोजिशन टू अनदर। मीन्स ओवर का यूज हम तब करेंगे जब किसी मूवमेंट को दिखाएंगे, किसी एक लोकेशन से या किसी एक पोजिशन से जब कोई दूसरी पोजिशन में कन्वर्जन होगा तो वहां पर हम प्रीपोजिशन ओवर का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यूज्ड व्हेन देयर इज कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट रेफर्ड इन सेंटेंस। ओवर एज अ प्रीपोजिशन का यूज हम तब करेंगे जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमें कॉन्टैक्ट को शो करना होगा। एग्जाम्पल है द कैट जंप्ड ओवर द चेयर। तो यहाँ पर कैट की बात हो रही है कि द कैट जंप्ड ओवर द चेयर। तो जब उसने, जो कैट है उसने जो जंप करा है तो एक तरह का मूवमेंट हुआ है। कैट एक लोकेशन या एक प्लेस से एक दूसरी जगह पर गई है, तो हमने प्रीपोजिशन ओवर का यूज किया है क्योंकि कैट ने अपनी पोजीशन को चेंज करा है जंप करके। ओवर का यूज हम तब करेंगे जब मूवमेंट होता है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में कोई ऑब्जेक्ट जाता है और यहाँ पर कॉन्टेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट्स में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई पुट ब्लैंकेट ओवर द डॉग। तो यहाँ पर जब डॉग के ऊपर ब्लैंकेट डालने की बात आ रही है तो किसी ना किसी तरह का जो कॉन्टेक्ट है, जो टच है वो है। जैसे कि जो ब्लैंकेट है और डॉग है उसमें एक तरह का कॉन्टेक्ट है, तभी यहाँ पर प्रीपोजिशन ओवर का यूज किया गया है। ऐसा नहीं है कि डॉग है और उसके ऊपर ब्लैंकेट ऐसे हवा में है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब डॉग के ऊपर ब्लैंकेट डाला गया है तो किसी ना किसी तरह का टच उस ब्लैंकेट और उस डॉग के बीच में रहा है।
लास्ट एग्जाम्पल है शी वेयर स्वेटर ओवर हर शर्ट. तो जो गर्ल है उसने जो स्वेटर पहना है ओवर हर शर्ट, उसने शर्ट के ऊपर स्वेटर पहना है. तो स्वेटर एंड शर्ट ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बीच में एक तरह का कॉन्टेक्ट हुआ है, तो तब हमने यहाँ पर ओवर का यूज किया है. तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने अबव एंड ओवर को डिस्कस करा है. अबव का यूज हम सिर्फ जब लोकेशन को इंडिकेट करते हैं तब करते हैं, किसी भी तरह का मूवमेंट ये नहीं दिखाता है. और अबव का यूज हम तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट में कॉन्टेक्ट नहीं होता है. सेम इसके अपोजिट ओवर का हम यूज तब करते हैं जब हमें इंडिकेट करना होता है लोकेशन को, जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या लोकेशन चेंज होती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, वहां ओवर का यूज होता है. और ये हमेशा ही मूवमेंट को शो करता है और हमेशा ही जो इसमें ऑब्जेक्ट आते हैं उसमें कॉन्टैक्ट होता है. तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने अबव एंड ओवर को डिस्कस करा है. आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा. चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा. प्रीपोजिशन की सीरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, हमने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन और उसमें उसके 8 टाइप को डिटेल में डिस्कस करा है विद एग्जांपल. वो सभी वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं. टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में.